जी आज के लेक्चर का आगाज करते हैं सबसे पहले कल के लेक्चर में आपने घर जाके रीडिंग की होगी कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए कल के लेक्चर में कोई क्वेश्चन नहीं चलिए आज के लेक्चर की तरफ चलें। हमने जो कंसेप्ट स्टार्ट किया था कल कंप्लीट नहीं हो पा हो पाया था वो था लॉ ऑफ डिमांड लॉ ऑफ डिमांड में हम एनालिसिस करते हैं प्राइस का प्राइस ऑफ द गुड का और क्वांटिटी डिमांडेड का और कल के लेक्चर में हमने ये सीखा लॉ ऑफ डिमांड हमें बताता है कि इफ प्राइस ऑफ ए गुड इंक्रीजेज इट्स क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीजेस इफ प्राइस ऑफ ए गुड डिक्रीज इट्स क्वान्टिटी डिमांड इंक्रीजेज सैटरस परिबस यानी मतलब क्या हुआ इसका अदर फैक्टर्स रिमेनिंग दी सेम ये जो अदर फैक्टर्स रिमेनिंग दी सेम है इसका क्या मतलब है कि हमारी अजम्पन अजम्पशन क्या कि नॉन प्राइस डिटर्मेंट जो है वो सेम रहे रहे ये हमारा लॉ ऑफ डिमांड था इसके बाद हमने वन बाय वन अजम्पशंस को देखा अजम्पशन क्या है बेसिकली नॉन प्राइस डिटर्मेंट को ही हम एज्यूम करते हैं कि उनमें कोई चेंज नहीं होनी चाहिए फिर हमने देखा कि किसी भी लॉ को इकनॉमिक्स में तीन तरह से डिस्क्राइब किया जाता है डायग्राम सबसे पहले डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में फिर उसके बाद टेबल या शेड्यूल फॉर्म में और फिर उसके बाद डायग्राम फॉर्म में और इकनॉमिक्स का जो फेवरेट मेथड है वो है डायग्राम फॉर्म इसलिए अगर किसी भी इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट की डायग्राम है और आपको वो डायग्राम अगर बनाना नहीं आती इसका मतलब है वो कन्सेप्ट आपको नहीं आता रट्टा जितना मर्जी लगा लें तो इकोनॉमिक्स के पेपर में जो की टू सक्सेस होती है एक जो सबसे अहम फैक्टर्स है वो ये है कि क्या आप करेक्ट डायग्राम बना पाते हैं कि नहीं अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ऑफ एग्जामिनर ठीक है तो कल हमने एक अपनी इकोनॉमिक्स की पहली डायग्राम ड्रा किए थी तो उतना कंसेप्ट सारा समझ आ गया चलिए आज आगे लेके चलते हैं हम इसी कंसेप्ट को आज के लेक्चर में हम इंशाल्लाह इस लॉ ऑफ डिमांड को कंक्लूड करेंगे देखिए कल जो हमने डायग्राम बनाई थी वो कुछ इस तरह के डायग्राम थे एक्स एक्सिस पे हमने क्वांटिटी डिमांडेड को मैयर किया वाई एक्सिस पे हमने प्राइस को मैयर किया और फिर हमने डिमांड कर्व ड्रा किया जिसे कहते हैं डिमांड कर ठीक है और याद रखे ये इस कर्व का स्टार्टिंग पॉइंट है क्योंकि रीजन की तरफ जो पॉइंट होता है वो स्टार्टिंग होता है और ये इसका एंड पॉइंट है कर्व के एंड पे हम उस कर्व का नाम लिखते हैं ठीक है इसका नाम डिमांड कर भी लिख सकते थे आप डिमांड भी लिख सकते थे सिर्फ डी भी लिख देते हैं अगर आप तो वो भी एक्सेप्टेबल है क्योंकि तो इकोनॉमिक्स में डी का मतलब है डिमांड कर अच्छा एक चीज आपने नोट की होगी कल मैंने आज डायग्राम ड्रॉ की थी उसमें हमने नंबरिंग की थी नंबरिंग नंबरिंग किसको कहते हैं भला एक्स एक्सिस पे जीरो वन टू थ्री फोर फाइव और इसी तरह वाई एक्सिस पे भी वन टू थ्री फोर फाइव नंबरिंग की थी आज के लेक्चर में जो मैंने डायग्राम बनाई है इसमें नंबरिंग नहीं है तो बताइए एग्जामिनर जो है वो किस डायग्राम को ज्यादा पसंद करता होगा आपके ख्याल में आई कैब का एग्जामिनर दोनों डायग्राम इक्वली करेक्ट हैं इक्वली करेक्ट हैं याद रखें, आई कैप में लाजमी नहीं है कि डायग्राम बनाते हुए आप उसको शेड्यूल को फॉलो करें जो आपने खुद से फर्जी शेड्यूल जो है वो प्रेस्क्राइब किया लिखा है इकोनॉमिक्स में जब हम डायग्राम बनाते हैं नंबरिंग देना जरूरी नहीं है किसी भी लॉ की डायग्राम को एक्सप्लेन करते हुए डायग्राम बनाते हुए नंबरिंग देना लाजमी नहीं है हाँ एक सूरत में सिर्फ लाजमी हो जाता है कब जब वो खुद से टेबल या शेड्यूल दे दे और कहे इस टेबल या शेड्यूल के मुताबिक डायग्राम बनाओ कभी कभार ऐसे भी होता है अगर एग्जामिनर हमें खुद से एग्जाम में टेबल या शेड्यूल दे दे और कहे इसकी डायग्राम बनाओ तो फिर वो डायग्राम ड्रा करते हुए हमने एक्स एक्सिस पे भी नंबरिंग करनी है और वाई एक्सिस पे भी नंबरिंग करनी है वरना नॉर्मली जब हम किसी भी लॉ को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं खुद से और उसकी डायग्राम ड्रा कर रहे होते हैं तो नंबरिंग रिक्वायर्ड नहीं है और मेरी सजेशन भी यही है कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे नंबरिंग करना जरूरी नहीं आई कि आपने उसने आपकी ड्राइविंग स्किल्स नहीं देखनी उसने आपकी इकोनॉमिक स्किल देखनी है और इकोनॉमिक स्किल्स शो करवाने के लिए करेक्ट डायग्राम बनाने के लिए नंबरिंग शो करवाना जरूरी नहीं है ठीक है तो आइंदा भी अगर तो कोई कंसेप्ट जो है वो हम पहली दफ़ा अगर किसी में डायग्राम बना रहे हो तो मैं शायद आपको पहली दफ़ा डायग्राम ड्रा कैसे करनी है समझानी कैसे है इसके लिए आपको डायग्राम के साथ एक्सेसिव एक्सए एक में नंबरिंग करो लेकिन उसके बाद जब मैं फर्दर डायग्राम बनाऊंगा तो नंबरिंग नहीं किया करूंगा आपसे भी रिक्वायर्ड नहीं है कि आप जब टेस्ट में या आई कैब के एग्जाम में जब डायग्राम कोई बनाए खुद से तो शेड्यूल के मुताबिक बनाना लाजमी नहीं है हां लॉ डिस्क्राइब करते हुए शेड्यूल प्रेजेंट करते हैं शेड्यूल मैं उसी तरह प्रेजेंट करूंगा प्राइस वन टू तो थ्री फोर फाइव क्वान्टिटी डिमांडेड फाइव थी, फोर थ्री टू वन लेकिन जब डायग्राम बनाऊंगा तो मैंने यहां पे वो नंबरिंग शो नहीं करनी अब आप खुद सोचें असल चीज क्या है डिमांड कर जिसको शो करवा रहे हैं ये तो कल वाली डायग्राम में भी ऐसा ही था आज वाली डायग्राम में भी वैसा ही है ठीक तो है इस पर कोई फर्क नहीं पड़ा तो टेक्निकल कंसेप्ट है क्या आपने डिमांड कर सही ड्रा किया कि नहीं किया आप खुद देखे जब आप नंबरिंग कर रहे होते हैं जीरो टू को मिला रहे हैं क्या वो इकोनॉमिक्स का कोई कर रहे हैं आप नहीं कर रहे इकोनॉमिक्स का इकोनॉमिक ठीक है इसीलिए नंबरिंग जो है वो जरूरी नहीं है हाँ डायग्राम टेक्निकली करेक्ट होनी चाहिए टेक्निकली करेक्ट होने का मतलब क्या आप देखिए डायग्राम का स्लोप जो है वो क्या डाउनवर्ड है नेगेटिव है अगर मैं डिमांड कर बनाता हूं इस तरह यह डिमांड कर ऐसे तो कभी डिमांड कर होता नहीं है या मैं डिमांड कर फॉर एग्जाम्पल अगर इस तरह बनाने की कोशिश करूं तो यह भी गलत समझा जाएगा नॉर्मली इसीलिए डिमांड कर जो है वो डाउनवर्ड होना चाहिए क्या ये डायग्राम जो हमने बनाई डिमांड टेक्निकली करेक्ट है बिल्कुल करेक्ट है तो इसका मतलब है इसमें हमें नंबरिंग शो करवाना लाजमी नहीं और एग्जाम में चूंकि टाइम सबसे ज्यादा अहम होता है इसीलिए टाइम बचाने के लिए हम नंबरिंग नहीं किया करेंगे टेबल या शेड्यूल प्रेजेंट किया करेंगे अगर जरूरी है तो लेकिन जो डायग्राम बनाएंगे वो उस टेबल या शेड्यूल के मुताबिक नहीं हमारे कंसेप्ट के मुताबिक बनेगी कि यह डॉक्यूमेंट स्लोप है यहां तक क्लियर है अच्छा दो लफज हैं एक है नंबरिंग एक है लेबलिंग आई कैप नंबरिंग रिक्वायर्ड नहीं है लेबलिंग रिक्वायर्ड है और लेबलिंग में सबसे ज्यादा गलतियां करता है, के में देखें, जो सबसे ने किया हुआ है वो यह है कि स्टूडेंट डायग्राम ड्रा करते हुए लेबलिंग नहीं करता अच्छा अब ये लेबलिंग क्या होती है लेबलिंग ये होती है कि मैंने डायग्राम ड्रा की और यहां पे क्वांटिटी डिमांडेड लिखना भूल गया ये लेबलिंग है एक्स एक्सिस को डिस्क्राइब करना भूल गया यहां पे प्राइस लिखना भूल गया यह है लेबलिंग की गलती यहां पे डी लिखना भूल गया यह लेबलिंग की गलती डी को यहां की बजाय इधर लिख दिया स्टार्ट में यह लेबलिंग की गलती ठीक है अभी ये तो सिंपल डायग्राम है ना तो इसमें तो आपको लगेगा दो तीन चीजें जिनका ध्यान रखना है आगे चल के जब डायग्राम हम बनाएंगे उसमें एक से ज्यादा कर्ज भी आएंगे इस डायग्राम में सिर्फ एक कर्व है आगे चल के एक से ज्यादा कर भी हो सकता है दो कर में हो सकता है तीन आए हो सकता है किसी डायग्राम में चार कर ड्रा करना पड़े, ठीक है उस वक्त फिर लेबलिंग का ध्यान रखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है लेकिन आपने अभी से अपनी आदत बना लेनी है तो अभी तक के लेक्चर में मैंने सबसे अहम चीज आपको क्या सिखाई एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नंबरिंग रिक्वायर्ड नहीं है लेकिन लेबलिंग रिक्वायर्ड है और डायग्राम टेक्निकली करेक्ट होनी चाहिए टेक्निकली करेक्ट का मतलब इकोनॉमिक्स के असूलों के मुताबिक बनी होनी चाहिए इकोनॉमिक्स के असूल हमें क्या सिखाते हैं कि डिमांड कर का स्लोप डाउनवर्ड होता है क्या डिमांड कर का स्लोप डाउनवर्ड है तो ये डायग्राम टेक्निकली करेक्ट है दुनिया का कोई इकोनॉमिस्ट इसको गलत नहीं करार दे सकता यहाँ तक क्लियर आगे चलते हैं हमने किसी भी डायग्राम को एक्सप्लेन कैसे करना है देखिए एक तो हर डायग्राम जब भी हम बनाते हैं ना उसे आम बंदे के लिए उसको एक्सप्लेन करते हैं कि ये डायग्राम में बेसिकली कर्व कौन सा बना है क्या मैसेज शो हो रहा है एक्सप्लेन एक्सप्लेनेशन जो है वो डायग्राम का इंटेग्रल पार्ट लाजमी हिस्सा समझी जाती है ठीक है अब इसमें स्टूडेंट यह समझता है कि शायद उसे एक्सप्लेनेशन जो है उसका हर डायग्राम के साथ एक्सप्लेनेशन का रटा लगाना पड़ेगा याद रखिए ऐसे नहीं होगा ठीक है हम अपने पूरे सेशन में कंसेप्ट के ऊपर फोकस करेंगे अगर आपका कंसेप्ट ठीक है तो आपको रटा भी बहुत कम लगाना पड़ेगा और आपके पास होने के चांसेस भी ज़्यादा हैं क्योंकि आई के आपके क्वेश्चन ट्रिकी होते हैं जिसका कंसेप्ट स्ट्रांग होता है वही कर पाता है रटे वाला स्टूडेंट नहीं कर पाता इसलिए कंसेप्ट जो है उसके ऊपर हमने सबसे ज्यादा फोकस करना है तो कंसेप्ट क्या है डायग्राम को एक्सप्लेन करना है असूल क्या है वैसे तो हर डायग्राम के साथ आपको एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी कि इसको कैसे एक्सप्लेन करना है आप दो तीन दफा पढ़ लेंगे आपको अंदाजा हो जाएगा लेकिन बेसिक रूल क्या है किसी भी डायग्राम को एक्सप्लेन करने का यह समझ लीजिए आप आगे चल के देखेंगे हर डायग्राम इन्हीं रूल्स के मुताबिक एक्सप्लेन हो रही होगी सबसे पहले जब किसी भी डायग्राम को आपने एक्सप्लेन करना है सबसे पहले एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे क्या चीजें मयर कर रहे हैं ये डिस्क्राइब कीजिए बताइए उसको जैसे इस डायग्राम को हम एक्सप्लेन करने होंगे तो हम क्या लिखेंगे सबसे पहली लाइन वे मयर क्वांटिटी डिमांडेड ऑन एक्स एक्सिस एंड प्राइस ऑन वाई एक्सिस ये ये है डायग्राम एक्सप्लेनेशन इसी तरह जैसे जैसे एक्स एक्सिस पे कोई भी चीज चेंज होगी कोई दूसरी चीज आ जाती है फर्स्ट करें आगे चल के यहाँ पे आउटपुट आ जाता है यहाँ पे प्राइस की बजाय कॉस्ट आ जाती है तो हम क्या लिखेंगे आउटपुट ऑन एक्स एक्सेस एंड कॉस्ट ऑन वाई एक्सेस दूसरी चीज आपने जब एक्स एक्सेस को डिफाइन कर देना है, फिर इस कर्व को डिफाइन करना है जो बना हुआ है कि डी रिप्रेजेंट्स डिमांड कर्व नेगेटिव डी रिप्रेजेंट्स डिमांड कर स्लोप इज नेगेटिव शोज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड ये मैं क्या कर रहा हूं जब मैं लाइन बोल रहा हूं कि डी इज डिमांड कर विच शोज स्लोप इज नेगेटिव शो इट शोज नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड ये मैं क्या कर रहा हूं इस कर्व को एक्सप्लेन कर रहा हूं तो आपने जब एक्सिस को एक्सप्लेन करना है उसके तो बाद क्या करना है कर्व को एक्सप्लेन करना अच्छा यहां तक यह क्लियर हो गया इसके बाद बाकी दो स्टेप इस डायग्राम पे एप्लीकेबल नहीं है लेकिन समझ लीजिए आगे चल के जब डायग्राम थोड़ी कंप्लेक्स होगी उनमें यह स्टेप भी एप्लीकेबल होंगे यह क्या है डिस्क्राइब अदर कर्फ एनि अगर डायग्राम में इस एक कर्व के अलावा दूसरा कर्व भी है तो हमने क्या सिर्फ किसी एक कर्व को एक्सप्लेन करना है कह रहे दूसरे कर्व को भी एक्सप्लेन कीजिए मे भी आगे चल के कोई एक ऐसा कर्व आ जाए जिसका स्लोप अपवर्ड हो इसका डाउनवर्ड है उसका अपवर्ड हो मे भी इसका नाम डिमांड कर्व है उसका नाम सप्लाई कर्व हो तो उस कर्व को, को मैं कैसे एक्सप्लेन करूंगा कि एस रिप्रेजेंट सप्लाई कर्व विच शोज पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वान्टिटी सप्लाइड यानी जितने भी कर्व्स हैं उन सबको वन बाय वन एक्सप्लेन कर हैं एक है दो है तीन है चार ये भी हो गया इसके बाद हाँ एक चीज का ध्यान रखना एक्सप्लेन करते हुए ये कर्व तो बेचारा सीधा साधा कर्व है इसका स्लोप डाउनवर्ड है हमारी इकोनॉमिक्स में कुछ कर्व होते हैं शरारती किस्म के वो क्या करते हैं वो अपनी शेप अपना कर्व चेंज कर लेते हैं शेप अपनी चेंज कर ले जैसे ये अच्छा वाला सीधा नीचे को जा रहा होगा आगे चल के फिर ऊपर को मूव करना शुरू हो जाएगा या अच्छा वाला ऊपर को जा रहा होगा आगे चल के नीचे को आ जाएगा अब इसमें हमने इस कर्व के दोनों एरियाज़ को एक्सप्लेन करना पहले बताएंगे इसका स्लोप डाउनवर्ड है फिर बताएंगे इसका स्लोप अवर्ड है और खास तौर पे यह भी बताएंगे कि यह जो पॉइंट है जहां से ये कर्व चेंज हुआ ये पॉइंट क्या चीज रिप्रेजेंट कर रहा है भाई इधर आके कुछ ना कुछ तो खास बात हुई है कि इसने अपनी शेप चेंज कर लिया वो खास बात हो खास इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट होगा कोई ना कोई यहां पे वो हमने एक्सप्लेन करना सबसे पहले क्या करना है डायग्राम एक्सप्लेन करते हुए एक्सिस को फिर उसके बाद क्या करना है कर्व का अगर कर्व सीधा साधा है एक दो लाइनों में एक्सप्लेनेशन खत्म अगर कर्व अपनी शेप चेंज कर रहा है तो हमने जो कर्व शेप चेंज हो रही है वो भी बताना है और जिस पॉइंट से शेप चेंज हो रही है खास तौर पे उस कंसेप्ट उस पॉइंट को आपने फोकस करना है वहां कोई ना कोई इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट छुपा होता है इसको एक्सप्लेन करना होगा और अगर इकोनॉमिक्स में एक डायग्राम में एक से ज्यादा कर्व हैं, तो सम टाइम ऐसा होता वो एक दूसरे को कट कर जाते अब जिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जहां पे वो एक दूसरे को कट करते हैं वो पॉइंट भी कोई ना कोई मैसेज शो कर रहा होता इवन ये कर्व देखे ये किसी को कट कर रहा है नहीं कर रहा लेकिन मे बी अगर ये कर्व इस तरह का होता भी है नहीं इस तरह का होता तो ये देखें इसका है अब ये इस, ये इस इंटरसेक्शन और ये किसी मैसेज को शो कर रहा है खास ये पॉइंट भी किसी खास मैसेज को शो कर रहा है। तो इन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को एक्सप्लेन करना होता है अगर यहां पे कोई दूसरा कर्व होता और वो इस तरह का होता तो अब ये देखें यहां पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन किसी खास मैसेज को शो कर रहा है वो मैसेज हमने पिक करना है, इसे एक्सप्लेन करते हुए इग्नोर नहीं करना तो कुछ समझ आई डायग्राम को कैसे हमने एक्सप्लेन करना है किस तरह पहले एक्सेस को डिस्क्राइब करना है फिर इसके बाद कर्व को डिस्क्राइब करना है सीधा सीधा कर्व है सिंपल एक्सप्लेनेशन अगर कर्व अपनी शेप चेंज कर रहा है तो हमने बताना है कि ये क्यों शेप चेंज कर रहा है ठीक है ये भी बताएंगे शेप चेंज हो रही है और ये भी बताएंगे क्यों शेप चेंज अगर कर्व एक से ज्यादा है तो सबको एक्सप्लेन करना और अगर कहीं पे दो कर्व इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे ऊपर भी फोकस करना है वो कोई ना कोई मैसेज दे रहा होता है उसको भी एक्सप्लेन करना है फिर आपकी एक्सप्लेनेशन जो है वो कंप्लीट होगी ठीक है और ये रूल्स आप दुनिया की किसी भी डायग्राम में आप देखें एक्सप्लेनेशन में आपको यही चीजें नजर आएंगी और अगर आप देखें काम की चीजें भी यही और डायग्राम में रह गया जाता है किसी भी डायग्राम बहरहाल जी तो आज ये कंसेप्ट क्लियर हो गया अभी तक हमने तीन चीजें सीखी नंबरिंग रिक्वायर्ड नहीं लेबलिंग रिक्वायर्ड है खास तौर पे इसका ध्यान रखना एग्जाम में और डायग्राम किसी भी डायग्राम को कैसे एक्सप्लेन करना है ये रूल्स आगे चलें नेक्स्ट कंसेप्ट हमारा के डिमांड कर्व का स्लोप जो है ये डाउनवर्ड है डिमांड कर्व का स्लोप हमारा डाउनवर्ड है इसकी क्या रीजन है ये क्यों डाउनवर्ड है डाउनवर्ड क्यों अच्छा इसकी एक रीजन तो हम ये कह सकते हैं इसलिए क्योंकि प्राइस और डिमांड का इनवर्स रिलेशनशिप है वो कह रहे हैं, नहीं नहीं यही तो पूछ रहा हूं क्यों इनवर्स रिलेशनशिप है डिमांड कर का स्लोप डाउनवर्ड क्यों है प्राइस और डिमांड का रिलेशनशिप इनवर्स क्यों है ये बताओ हमने कहा सुनिए जब कभी आई कैप एग्जाम में हमसे पूछे कि डिमांड कर का स्लोप डाउनवर्ड क्यों है हमने तीन, है. Reason, effect, reason, effect, reason, तीन रीजन बतानी है पहली रीजन इनकम इफेक्ट दूसरी रीजन सब्सटीट्यूशन इफेक्ट तीसरी रीजन लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी तीन रीजन बतानी है स्लोप ऑफ डिमांड कर डाउनवर्ड क्यों है तीन रीजन कौन कौन सी तीन रीजन है इनकम इफेक्ट सब्सिट्यूशन इफेक्ट और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनिटी अब सुनिए इनकम इफेक्ट पे आपको इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट सिखाने जा रहा हूं अटेंटिव होके सुनिएगा कंसेप्ट थोड़ा टेक्निकल है मैं जो है इनकम इकोनॉमिक्स में इनकम किसको कहते हैं ठीक है आप फर्ज कीजिए प्रिंसिपल साहब आए उन्होंने कहा सर आपके लिए गुड न्यूज है मैंने कहा सर क्या गुड न्यूज उन्होंने कहा आपकी सैलरी टेन परसेंट बढ़ा दी गई इंक्रीमेंट मिल गया मुझे बताइए मैं पहले की नस्बत अमीर हो गया कि नहीं हो गया क्योंकि मेरे पास ज्यादा नोट है पहले मेरे पास फॉर एग्जाम्पल सो नोट आते थे अब मेरे पास एक सौ दस नोट आएंगे मैं इस तरीके से भी अमीर होता है इंसान इकोनॉमिक्स कहती है एक और तरीका भी है क्या फर्ज कीजिए मैं घर में सोया और सराने के नीचे मैंने रखे सौ ठीक है सुबह उठा तो वो दो सौ हो चुके थे बताइए मैं पहले की नस्बत डबल अमीर हो गया कि नहीं yes, हो गया दूसरी एग्जाम्पल सुने सराने के नीचे सौ रुपया रख के सोया था सुबह उठा सौ रुपया ही था बाजार में गया पता चला हर चीज की प्राइस आधी हो चुकी है अब बताइए अब मैं अमीर हुआ कि नहीं हुआ इकोनॉमिक्स yes, कहती है अब भी आप अमीर हो गए वो कहता है जब किसी के पास नोटों की तादाद बढ़ती है हम कहते हैं मनी इनकम इंक्रीज होगी इसकी और जब किसी की परचेजिंग पावर बढ़ती है हम कहते हैं इसकी रियल इनकम इंक्रीज हो गई और परचेजिंग पावर का ताल्लुक किससे होता है चीजों की प्राइसिस से इसका मतलब है अगर मेरे पास नोट उतने ही है जितने कल थे, लेकिन आज चीजों की प्राइसिस बढ़ गई है तो मेरे पास मनी इनकम उतनी है जितनी कल थी लेकिन मेरी रियल इनकम क्या हुई कम हो गई डिक्रीज हो गई इकोनॉमिक्स में मनी इनकम और रियल इनकम दोनों डिफरेंट कंसेप्ट है तो ये बेसिकली जो इनकम है ना इसके साथ उन्होंने लिखा नहीं लेकिन ये रियल इनकम को शो कर रहा है। कुछ बात समझ आती है ठीक है एक और एग्जांपल से क्लियर करते हैं बात इंटरेस्ट है जो ठीक है इंटरेस्ट सूद बैंक के पास हम जाते हैं बैंक ने कहा सर आपके पास जितने पैसे हैं मेरे पास रखवाइए मैं आपको प्रॉफिट दूंगा टेन परसेंट ऐसे ही कहते हैं ना मुनाफा दूंगा मैं खुद भी जहनु में जाऊंगा आपको भी लेके जाऊंगा मुनाफा दूंगा टेन परसेंट हमने कहा फर्ज कीजिए ठीक है हमने उसे एक लाख रुपया जमा करवा दिया साल के बाद हम उसके पास गए वो हमें कितने पैसे देगा एक लाख दस हजार मनी इनकम मेरी इंक्रीज हो गई कितने से इंक्रीज हुई टेन थाउजेंड दस हजार से अच्छा अब गौर से सुनिएगा लेकिन इस साल के बैंक सिर्फ आपको इतना बताएगा देखे सर आपको मैंने ज्यादा दस हजार ज्यादा पैसे दिए कंप्लीट पिक्चर ये नहीं होती आधी पिक्चर कंप्लीट पिक्चर क्या है अब एक साल के दौरान अगर चीजों की प्राइसेस पंद्रह परसेंट इंक्रीज हो गई हैं इंक्रीज हो गया तो देखे मनी इनकम हमारी दस हजार से बढ़ी है लेकिन रियल इनकम हमारी पांच हजार से कम हो गई है मनी इनकम में टेन परसेंट इंक्रीज ठीक है लेकिन रियल इनकम जो है वो डिक्रीज हुई है फाइव परसेंट डिक्रीज हुआ नेट इफेक्ट तो इसीलिए इनकम मनी इनकम और रियल इनकम दोनों डिफरेंट कंसेप्ट यह बात समझ आती है अब वापिस आते हैं कंसेप्ट की तरफ डिमांड कर्व का स्लोप डाउनवर्ड क्यों है एग्जाम्पल सामने रखिए पेप्सी ने अपनी प्राइस कम कर दी पेप्सी की डिमांड पे फर्क क्या पड़ेगा बढ़ जाएगी इनवर्स रिलेशनशिप अब हम ये बताना चाह रहे हैं ये नेगेटिव क्यों है यह डिमांड कर स्लोप डाउनवर्ड क्यों है क्यों ऐसे होता है कि पेप्सी की प्राइस जब कम होती है तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है सुन लीजिए इसकी पहली रीजन इनकम इफेक्ट क्या कि जब पेप्सी की प्राइस कम होती है तो जो पेप्सी के कंज्यूमर है उनकी रियल इनकम बढ़ जाती है उनकी परचेजिंग पावर बढ़ जाती है वो उसी कीमत में पहले की नस्बत ज्यादा पेप्सी इस्तेमाल कर सकते हैं खरीद सकते हैं इसीलिए पेप्सी की डिमांड बढ़ती है ये बात समझ आती है दूसरी यह है इनकम इफेक्ट दूसरा है सब्सिट्यूशन इफेक्ट सब्सिट्यूशन इकोनॉमिक्स में कहते हैं शिफ्ट करने को जब एक चीज को दूसरी चीज के साथ हम शिफ्ट कर देते हैं रिप्लेस कर देते हैं, करते हैं कहते हैं सब्सिट्यूशन इफेक्ट सुने पेप्सी की प्राइस कम हुई पेप्सी की डिमांड बढ़ गई पहली रीजन क्या क्योंकि पेप्सी के एग्जिस्टिंग कंज्यूमर जो है पहले की निस्बत ज्यादा खरीदेंगे क्योंकि उनकी बाइंग पावर बढ़ गई दूसरी रीजन सब्सिट्यूशन इफेक्ट पेप्सी की डिमांड इसलिए भी बढ़ेगी कि कोक के, को के कंज्यूमर जब देखेंगे यार चीज तो वो ही है और जब दूसरी चीज सस्ती है तो वो महंगी चीज को सब्सिट्यूट कर देंगे सस्ती चीज के साथ ह्यूमन साइकी है हमारे सामने दो चीजें पड़ी है ना और दोनों एक जैसी हैं तो हम दोनों में से जो सस्ती होगी हमेशा उसको खरीदेंगे नॉर्मल कंज्यूमर इसी तरह करता है तो इसका मतलब ये हुआ पैप्सी की प्राइस जब कम होती है तो पेप्सी की डिमांड ज्यादा होगी रीजन क्या है दो पहली रीजन क्या है एग्जिस्टिंग कंज्यूमर ऑफ पेप्सी विल बाय मोर ये कौन सा इफेक्ट है इनकम इफेक्ट दूसरी रीजन कंज्यूमर ऑफ कोक विल सब्सिट्यूट देयर प्रोडक्ट विद पेप्सी ये कौन सी रीजन है सब्सिट्यूशन इफेक्ट के कोक के कंज्यूमर पैप्सी की तरफ आ जाएंगे दो रीजन समझ आती है डिमांड का स्लोप डाउनवर्ड क्यों है दूसरे लफ्जों में प्राइस और डिमांड का इनवर्स रिलेशनशिप क्यों है एक इनकम फैक्ट हो गया दूसरा सब्सिट्यूशन इफेक्ट हो गया तीसरा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी ये अभी हमने याद कर लेना है मैं एक्सप्लेन अभी नहीं कर रहा ये पूरे का पूरा लॉ है जो एक पूरा लेक्चर लेगा एक्सप्लेन करने के लिए ठीक है और अभी इसको समझना यहां पे जरूरी भी नहीं है रीजन के तौर पे आपने इसको याद कर लेना है लेकिन इसको एक्सप्लेन हम इसके रेलिवेंट चैप्टर में करेंगे जब ये आएगा ठीक है ये चैप्टर फोर में जाके एक्सप्लेन होगा तो क्या हमें पता चल गया कि डिमांड कर का स्लोप डाउनवर्ड क्यों होता है कितनी रीजन है तीन रीजन इनकम इफेक्ट सब्सिट्यूशन इफेक्ट और इनकम इफेक्ट और सब्सिट्यूशन इफेक्ट में फर्क समझ आ गया कंसेप्ट क्लियर है ना चलिए आगे चलते हैं प्रैक्टिकल इम्पोर्टेंस ऑफ लॉ क्या इस लॉ देखिए थोरेटिकल इंपोर्टेंस तो है इस ला की degree, क्या कि अगर एग्जाम में आ गया छाप देंगे पास हो जाएंगे इनशाला क्या इसकी कोई प्रैक्टिकल इंपोर्टेंस भी है कहता है बिल्कुल है क्या प्रैक्टिकल इंपोर्टेंस है कहता है पहला ये किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस डिटरमिन करने में हेल्पफुल होती है डिमांड लॉ ऑफ डिमांड किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस को डिसाइड करने में हेल्पफुल होता है अब यह प्रोडक्ट की प्राइस कैसे डिसाइड होती है यह हमारा दो लेक्चर के बाद हमने इसको कवर करना है लेकिन जहन में रखिएगा जब भी किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस डिसाइड होती है डिटरमिन होती है वो डिमांड और सप्लाई दोनों की मदद से डिटरमिन होती है ठीक है दोनों की मदद से आप मार्केट में जाते हैं एक चीज डिमांड करते हो आप कहते हो मैंने दस रुपए में खरीदनी है और दूसरा जो बंदा दुकानदार है वो कहता है, नहीं मैंने तीस रुपए में बेचनी है अब बताइए प्राइस क्या डिसाइड होगी क्या सिर्फ आपकी मर्जी यानी डिमांड चलेगी क्या सिर्फ दुकानदार की मर्जी यानी सप्लाई चलेगी या दोनों की मर्जी चलेगी और दरम्यान में कहीं आके दोनों एग्री कर जाएंगे दोनों की मर्जी चलेगी इसका मतलब हुआ लॉ ऑफ डिमांड भी प्राइस डिटरमिन करने में हेल्पफुल है और आगे चल के जब हम लॉ ऑफ सप्लाई पढ़ेंगे शायद उसकी प्रैक्टिकल इंपोर्टेंस में भी यही लिखा हो कि लॉ ऑफ सप्लाई हेल्प्स इन डिटर्मिन प्राइस ऑफ द गुड तो पहली बोर्ड समझ आती है लॉ की लॉ ऑफ डिमांड की कि प्राइस करना है हेल्पफुल दूसरी बोर्ड फॉर प्रोड्यूसर इम्पैक्ट ऑफ प्राइस चेंज ऑन डिमांड प्रोड्यूसर देख लेता है लॉ ऑफ डिमांड को सामने रखे सामने उसके लॉ ऑफ डिमांड है ये टेबल भी है शेड्यूल बना है ये डायग्राम भी बनी है उसको देख के वो एनालिसिस कर सकता है अगर मैं अपनी प्राइस बढ़ाऊं तो डिमांड जो है कितनी कम होगी और अगर मैं अपनी प्राइस कम करता हूं तो डिमांड कितनी बढ़ेगी देखिए उसके सामने जब सारा शेड्यूल है सारी डायग्राम है तो क्या वो ये एनालिसिस कर सकता है कि अगर मैं अपनी प्राइस को इंक्रीज या डिक्रीज करूं तो इस लिहाज से डिमांड में कितना फर्क पड़ेगा ताकि अगर उसे लगे कि प्राइस इंक्रीज करने से डिमांड ज्यादा कम हो जाती है वो प्राइस इंक्रीज नहीं करेगा अगर उसे लगे प्राइस इंक्रीज करने से डिमांड बस थोड़ी सी डिक्रीज होती है वो कहेगा प्राइस इंक्रीज कर दो तो प्रोड्यूसर जब प्राइसिंग डिसीजन करता है सामने लॉ ऑफ डिमांड को रखता है बात समझ आती गवर्नमेंट 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 क्या करते है है का एक ही काम टैक्स लगाना कभी कभी सब्सिडी भी देती है ठीक है कभी कभी लेकिन ज्यादा क्या करती है गवर्नमेंट टैक्स लगाती गवर्नमेंट टैक्स लगाते हुए लॉ ऑफ डिमांड को सामने रखेगी देखिए जब गवर्नमेंट टैक्स लगाती है ना तो थोड़ा टेक्निकली सोचें चीज की प्राइस बढ़ जाती है बढ़ जाती है तो फिर असूल लॉ ऑफ डिमांड के मुताबिक कम हो जाती है तो गवर्नमेंट ये चाहती है यार मैं होटल जो रेस्टोरेंट है ना इन पे टैक्स लगाना चाह रहे हैं हम लेकिन ऐसा ना हो कि हम टैक्स लगाए और लोग बाहर खाना खाना ही छोड़ दें तो हम जितना हमारे पास अभी टैक्स कलेक्शन हो रही है इतनी भी ना हो तो जिस तरह प्रोड्यूसर प्राइस इंक्रीज करने के लिए चेंज करने के लिए लॉ ऑफ डिमांड को सामने डिसीजन करता है गवर्नमेंट भी ये डिसाइड करने के लिए कि हमें टैक्स बढ़ाना चाहिए कि नहीं बढ़ाना चाहिए बढ़ाना है तो कितना बढ़ाना चाहिए कि डिमांड पे बुरा असर ना पड़े गवर्नमेंट भी लॉ ऑफ डिमांड को सामने रखती है तो लॉ ऑफ डिमांड की इंपोर्टेंस क्या हुई प्राइस डिटर्मिनेशन में और किस में प्रोड्यूसर के लिए और किस लिए गवर्नमेंट के लिए प्रोड्यूसर के, के लिए किस लिए प्राइस चेंज का डिसीजन डिमांड को सामने के करेगा गवर्नमेंट के लिए किस लिए इम्पोर्टेंस है टैक्स का डिसीजन जो है वो डिमांड को सामने के करेंगे प्रैक्टिकल इंपोर्टेंस ऑफ लॉ यहां तक बात समझ आती है अच्छा आगे चलते हैं लिमिटेशन एंड एक्सेप्शन देखें इकोनॉमिक्स तो है ना इसमें आप कोई भी थ्योरी प्रेजेंट कर दें कोई भी थ्योरी देखिए साइंस तो है नहीं ठीक है कि मैं आपसे कहूं कि पानी का फार्मूला एस टू ओ है आप भी मानेंगे ये भी मानेंगे ये भी हर कोई मानेगा ठीक है साइंस की बात है उनको तो चैलेंज नहीं किया जा सकता लेकिन जो दूसरे सब्जेक्ट है फॉर एग्जाम्पल इकोनॉमिक्स यहां पे आप जब कभी कोई थ्योरी प्रेजेंट करते हैं तो उसको क्रिटिसाइज करने वाले भी जरूर होते हैं ये इकोनॉमिक्स के साथ पहले दिन से मसला रहा है कि जब इकोनॉमिक्स का दुनिया में पहला कंसेप्ट आया प्रेजेंट किया गया था ना उस कंसेप्ट को भी क्रिटिसाइज करने वाले लोग मौजूद थे तो इसीलिए जब लॉ ऑफ डिमांड और आपको पता है जिस बंदे ने क्रिटिसाइज करना है आप जितने मर्जी अच्छे हो जाए उसने क्रिटिसाइज करना ही करना है तो जब लॉ ऑफ डिमांड प्रेजेंट किया गया तो इसका एक अपोजिट स्कूल ऑफ था उसने भी इसको प्रेजेंट किया उसने भी इसको क्रिटिसाइज़ किया जब ये इस को प्रेजेंट किया गया उसने कैसे क्रिटिसाइज किया? उसने कैसे क्रिटिसाइज़ क्रिटिसाइज़ किया किया अच्छा तरीका वारदात देखिए उसने क्या हमारी थी ना? थी हमारे? जैसे कौन सा प्राइस के अलावा हमें इनकम ऑफ कंज्यूमर चेंज ना हो अब देखे कहा गलत लॉ ऑफ डिमांड जो है वो प्रेजेंट कर दिया हमने कहा गलत कैसे उसने कहा देखो कंज्यूमर जो है उसकी प्राइस अगर बढ़ जाए तो चाहे कंज्यूमर जो है उसकी इनकम अगर बढ़ जाए तो चाहे प्राइस इंक्रीज क्यों ना हो डिमांड बढ़ जाएगी जैसे एक स्टूडेंट आया आगे कहने लगा सर आपने हमें लाओ डिमांड कर बढ़ा दिया मैंने कहा कैसे कहता है सर जे पहले जो है मेरी जॉब नहीं थी मैं स्टूडेंट था सिर्फ ठीक है उस वक्त मोबाइल जो है वो पाँच हजार का था मैं नहीं खरीद सका अब मेरी एक जगह पे जॉब लग गई है अब मोबाइल गया दस हजार का था मैंने फौरन खरीद लिया तो आपने तो कहा था प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड कम होगी इधर तो प्राइस बढ़ी है तो डिमांड भी बढ़ गई है तो मैं क्या कहूंगा भाई हमने भी तो ली थी कि इनकम ऑफ द कंज्यूमर शुड रिमेन कॉन्स्टेंट ये जो डिमांड बढ़ी है प्राइस इंक्रीज की वजह से नहीं आपकी इनकम इंक्रीज की वजह से है कहा नहीं नहीं सर फिर भी देखें प्राइस इंक्रीज हुई है तो डिमांड तो इंक्रीज हो गई है ना तो आपके लॉ में तो मसला आ गया अब देखिए जिसने क्रिटिसाइज करना उसने इसी तरह करना तो ये जो लोग थे क्रिटिसाइज करने वाले ये, ये कहते हैं आपका लॉ जो है इसकी लिमिटेशंस हैं। ये बहुत सी सिचुएशन पे अप्लाई नहीं होता हमने कहा किस सिचुएशन पे अप्लाई नहीं होता इसने कहा देखें अगर कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज हो जाए ना तो प्राइस इंक्रीज होने के बावजूद भी डिमांड बढ़ जाएगी हमने कहा वो तो हमने जम्शन में कह दिया था कि इनकम कॉन्सेंट होने हो। कहा नहीं नहीं फिर भी देखें सर इस में तो नहीं ना और आपका ला ठीक है इस तरह जितने भी नॉन प्राइस डिटर्मिनेट लिमिटेशन बनाने का आसान तरीका जितने भी नॉन प्राइस डिटर्मिनेंस है या जितनी भी जम्शन है उनको पकड़े और उनको इधर वन बाय वन डिस्कस करते जाए हमने कहा था कि जो ट्रेंड है जो प्रेफरेंस है वो सेम रहनी चाहिए यहां पे वो कह रहे हैं अगर फैशन चेंज हो जाए तो बाज ऐसे भी होता है फैशन चेंज हो जाए गर्मियाँ आ गई अब आपने जो स्वेटर कोट वगैरह है वो जितने मर्जी सस्ते कर दें उनकी डिमांड नहीं बढ़ेगी क्यों नहीं बढ़ेगी वो तो सीजन चेंज हो गया वो कह रहे सर आपने तो पढ़ाया था इकोनॉमिक्स में कि जब प्राइस कम करेंगे तो डिमांड बढ़ जाएगी इधर प्राइस कम कर रहे हैं डिमांड फिर भी कोई नहीं खरीदने आ रहा मगर पागल है कोई ख़रीदने आएगा वो गर्मियों में कौन पहनेगा स्वेटर कोट वगैरह तो ये क्या है ये लिमिटेशन उन्हीं एजम्पन को अगर आप वन बाय वन लिख दें तो वो लिमिटेशन ही बन जाती है लिमिटेशन इकोनॉमिक्स में किसको कहते हैं वो सिचुएशन जिसमें कोई लापलाई नहीं होता वो सिचुएशन जिसमें कोई लापलाई नहीं होता वो वो बेसिकली हमारी एजम्पन ही वन बाय वन अगर उनको रिवर्स कर दें लिमिटेशन बन जाएंगी अब बाकी के लिमिटेशन तो वही है जो हम पहले पढ़ चुके हैं देखें इनमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है डिस्कस करने की जरूरत तो नहीं है फ्यूचर एक्सपेक्टेशन ऑफ प्राइस वो कहता है अगर एक्सपेक्टेशन हो कि फ्यूचर की प्राइस बढ़ जाएगी तो चाहे फिर आज की प्राइस थोड़ी सी बढ़ भी जाए इंक्रीज हो जाए कंज्यूमर आज की डिमांड ज्यादा कर देगा कहेगा आज के दो रुपये ज्यादा प्राइस पे खरीद लू कल तो बीस रुपये बढ़ जाएगी प्राइस क्लियर यहां तक बात तो लिमिटेशन या एक्सेप्शन जो बल्कि सबसे अहम एक्सेप्शन है वो दो एक्सेप्शन है उनमें से भी सबसे अहम है गिफन गुड्स लेकिन पहले बेसिक नेसेसिटीज भी एक्सप्लेन कर दो बेसिक कौन सी होती हैं हमारी हमारी फूड वगैरह ठीक है रोटी कपड़ा और मकान बेसिक नेसेसिटीज एग्जाम्पल समझने के लिए लीजिए मेडिसन मुझे बताइए अगर मेडिसन जो है इसकी प्राइस फर्ज कीजिए खुदा नास्ता हमारा कोई रिलेटिव हॉस्पिटल में है डॉक्टर ने कहा फौरी तौर पर यह इंजेक्शन लेके आइए हम इंजेक्शन लेने के लिए गए पता चला प्राइस बढ़ी हुई है उस इंजेक्शन की हम क्या कहेंगे नहीं भाई हमने नहीं खरीदना हम तो कहेंगे भाई हमारे अजीज की जिंदगी का सवाल है ये तो डबल प्राइस भी अगर हो जाए हम फिर भी खरीदने को तैयार है इसी तरह अगर फर्ज कीजिए आप इंजेक्शन लेने के लिए जाए और वो कहे भाई प्राइस आधी हो गई है दो इंजेक्शन दे दूँ तो क्या आप ले लेंगे दो इंजेक्शन नहीं लेंगे कभी भी इसीलिए याद रखें जो बेसिक ऑफ लाइफ हैं इन पे लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता उसकी लिमिटेशन या एक्सेप्शन है इसकी जो सबसे अहम एग्जाम्पल है एक्सेप्शन की एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड अगर आई क्या हमसे पूछे ना भाई एक एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड बताओ हम कहेंगे गिफन गुड अगर कहे चार बताओ तो गिफन गुड को तो लिखे ही लिखेंगे उसके अलावा बाकी भी कोई तीन चार लिख देंगे दो तीन लिख देंगे अब देखें गिफन गुड जो है ये हमारी सबसे अहम एक्सेप्शन है इसको समझना है आपने आज के बाकी के लेक्चर में सिर्फ एक ही चीज रह गई है काम की गिफन गुड को एक्सप्लेन करना स्टार्ट करें अभी तक पहले मुझे तसल्ली करवा दे जो कुछ हमने पढ़ा है वो समझ आ गया क्या नहीं क्या डायग्राम बनानी आती है हमें डिमांड करके क्या हमें एक्सप्लेन करना आता है किसी भी डायग्राम को कैसे एक्सप्लेन करना है प्रैक्टिकल इंपोर्टेंस पता है हमें डिमांड कर्म का स्लोप डाउनवर्ड क्यों होता है ठीक है एमसी क्यूज में सवाल पूछा हुआ है स्लोप डिमांड कर्म का जो है वो डाउनवर्ड क्यों होता है लिमिटेशन है एक्सेप्शन होती क्या है कंसर्ट पता है अजम्पन का अपोजिट होती है ये कुछ एक दो चीजें एक्स्ट्रा भी होंगी लेकिन नॉर्मली एजम्पन का अपोजिट होती है लिमिटेशन या एक्सेप्शन उन सिचुएशन को कहते हैं जहां कोई लॉ अप्लाई नहीं होता सबसे अहम एक्सेप्शन जो है लॉ ऑफ डिमांड की वो है गिफ एन गुड गिफ एन गुड कौन सी होती है ये सुन लीजिए गिफ एन गुड टाइप ऑफ इंफीरियर गुड है जिनकी प्राइस इंक्रीज होने से इनकी डिमांड इंक्रीज हो जाती है जिन, न, देखें नॉर्मल क्या होता है प्राइस इंक्रीज होने से डिमांड डिक्रीज होती है तो अगर प्राइस इंक्रीज होने से गिफन गुड की भी डिमांड डिक्रीज होती तो ये एक्सेप्शन थोड़ी होती गिफन गुड ऐसी चीजों को कहते ये किसी एक चीज का नाम नहीं है गिफन आप गए सर आज तक किसी फल सब्जी खाने वाली चीज का नाम हमने गिफन पढ़ाई नहीं है ये गिफन गुड, गुड कहां से आ गई असल में जो गोरे होते हैं इनमें एक बड़ी अच्छी बात है कि जब भी इनमें से कोई बंदा नई थ्योरी, नई रिसर्च कोई नई चीज़ दरियाफ्त करता है ये उस चीज़ का नाम उसके नाम पे रख देते हैं, ताकि जब तक ये थ्योरी पढ़ाई जाती रहे ये बंदा जिंदा रहे किताबों में तो ये असल में फिनोमिना, कि दुनिया में कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जिनकी प्राइस बढ़ने से उनकी डिमांड बढ़ जाती है ये सबसे पहले एक ने प्रेजेंट किया था उसका नाम था गिफन उसके नाम पे उन्होंने गिफन गुड्स रख दिया तो गिफन गुड्स क्या है? गिफन गुड्स ऐसे गुड्स है जिनकी प्राइस बढ़ने से उनकी डिमांड बढ़ जाती है जिनकी प्राइस कम होने से उनकी डिमांड कम हो जाती है यहां पे अहम कंसेप्ट रखिए, गिफन गुड और इनफीरियर गुड का फर्क रखना है इन्फीरियर गुड का ताल्लुक था इनकम के साथ इंफीरियर गुड को डिफाइन करते हुए हमने कहा था इन्फीरियर गुड्स ऐसे गुड्स हैं कि इनकम बढ़ने से इनकी डिमांड कम होती है इनफीरियर गुड को डिफाइन करते हुए हमने इनकम को यूज किया था गिफन गुड को डिफाइन करते हुए हमने प्राइस को यूज करना है गिफन गुड्स ऐसे गुड्स है जिनकी प्राइस बढ़ने से इनकी डिमांड बढ़ जाती है और प्राइस कम होने से इनकी डिमांड कम हो जाती है कुछ कुछ समझ आया yes, नहीं अभी नहीं आया एग्जाम्पल के जरिए से समझते हैं इस कंसेप्ट को कि ऐसा कैसे पॉसिबल है कि प्राइस बढ़ने से डिमांड बढ़ जाए और प्राइस कम होने से डिमांड कम हो जाए ये रेज कर दो जी फर्ज कीजिए ये एक फैमिली का बजट आपके सामने इनके पास जितना मंथली बजट है इसमें दो चीजें हैं इनके पास एक पूरे महीने में दाल फर्ज कीजिए ये खा सकते हैं या गोश्त खा सकते हैं अब इन दोनों में से बताइए नस्बता इंफीरियर गुड आपका कौन सी लग रही है बहरहाल ये है एक फैमिली पहली ऑप्शन करंटली कर क्या रही है ये फैमिली अब देखे दिल तो करता है ना दोनों चीजों और गोश्त भी इस्तेमाल करें ये फैमिली महीने में बीस दिन दाल इस्तेमाल करती है और दस दिन गोश्त इस्तेमाल करते हैं यहां तक समझ गए हुआ क्या दाल की प्राइस इंक्रीज हो गई दाल की प्राइस असूली तौर पे इन्हें क्या करना चाहिए दाल की प्राइस इनक्रीज हुई उसकी डिमांड कम कर देनी चाहिए ऑफ डिमांड ये कहता है लेकिन वो कहते हैं दाल की प्राइस बढ़ी अब हमारी परचेजिंग पावर कम हो गई है ये रियल इनकम कम हो गई है अब परचेजिंग पावर कम होगी हमें सब्सिट्यूट कर देना चाहिए किसी दूसरी प्रोडक्ट पे लेकिन कहते हैं जब दाल की प्राइस बढ़ी तो हमें असूली तौर पर तो ये करना चाहिए दाल की क्वांटिटी कम करके पंद्रह दिन करके पंद्रह दिन गोश्त इस्तेमाल करें लेकिन क्या ऐसा कर सकते हैं क्योंकि इनके पास चीप अल्टरनेटिव अवेलेबल नहीं है जो अल्टरनेटिव है वो महंगा है इसलिए देखे जब इस फैमिली पे असर क्या बढ़ेगा जब दाल की कीमत बढ़ेगी तो ये दाल की डिमांड कम नहीं करेंगे बल्कि दाल की डिमांड और बढ़ा देंगे अब ये महीने में 25 दिन दाल इस्तेमाल करेंगे और पांच दिन गोश्त तो अब देखें अगर आप इस प्रोडक्ट का एनालिसिस करें तो इसमें इसकी प्राइस इंक्रीज होने से इसकी डिमांड इंक्रीज हो गई कह रहा है ये है गिफन गुड ये है ये है गिफन गुड अभी हम ये जो गिफन गुड होती है ये इनफीरियर गुड होती है दोनों में से दाल गिफन एक ही होगी ना दोनों तो नहीं होगी तो क्लियर हुआ गिफन गुड क्या होती है और ये कैसे एक्सेप्शन है ठीक है वो कहते हैं कि जी जब प्राइस इसकी बढ़ती है ना एक इफेक्ट होता है इनकम इफेक्ट हमारी रियल इनकम कम हो जाती है और दूसरा इफेक्ट होता है हमारा हम नहीं कर पाते किसी दूसरी गुड़ के साथ क्योंकि दूसरी गुड़ ज्यादा महंगी है बात समझ आती है गिफन गुड की तो गिफन गुड़ कौन से गुड़ जिनकी प्राइस बढ़ने से उनकी डिमांड बढ़ जाती है जी मेरे भाई लेकिन देखे गोश्स ठीक है पहले भी बीस दिन करते थे अब भी बीस दिन करते हैं तो इसका मतलब यह हुआ पहले की निस्बत उनका ज्यादा बजट लगेगा दाल पे तो वो महीने में फिर आठ दिन गोश्त इस्तेमाल कर सकेंगे दो दिन उन्हें फाका करना पड़ेगा ठीक है अगर वो दाल प्राइस इंक्रीज होने से दाल की क्वांटिटी उतनी ही रखते हैं तो इसका मतलब है अब उनके पास पहले की नस्बत पैसे कम है उनमें कम गोश्त आएगा तो वो कहते हैं भाई फाका करने से बेहतर है दाल ही खा लेते हैं जी हाँ मैंने आपको इंफीरियर और गिफन गुड का फर्क ये बताया कि इंफीरियर गुड को डिफाइन करते हुए इसे रिलेट करना है इनकम के साथ और गिफेन गुड को डिफाइन करते हुए से रिलेट करना है प्राइस के साथ इंफीरियर गुड क्या है वो गुड जिसके जब इनकम बढ़ने से उसकी डिमांड कम हो जाए यहां पे प्राइस का नाम में निशान भी नहीं है इस डेफिनेशन ठीक है और गिफन गुड जो है ये क्या है कि जिसके प्राइस इंक्रीज होने से इसकी डिमांड इंक्रीज हो जाए क्लियर आगे चलते हैं एनालिसिस ऑफ हाउस मार्केट कहता है छोटा सा कंसेप्ट है क्वेश्चन है क्या कहता है लाहौर में बताइए आज से पांच साल पहले घरों की कीमतें कम थी के ज्यादा थी लेकिन आज का आज कीमतें ज्यादा है असूली तौर पे तो घरों की डिमांड फिर कम होनी चाहिए लेकिन घरों की डिमांड कम होने की निसबत फिर भी ज्यादा है ऐसे है कि नहीं तो क्या इसका ये मतलब है घर गिफन गुड है कहता है सोचना भी ना घर गर, घरों के मामले में क्या होता है आप खुद देख लें पास की नस्बत करंटली आज कीमतें ज्यादा है लेकिन उसके बावजूद इनकी डिमांड कम नहीं होती बढ़ती ही है क्यों उसकी दो रीजन बताता है कहता है इसकी ये रीजन नहीं है कि ये गिफन गुड है ना, ना 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 इसकी रीजन क्या है पहली रीजन वो तो कहते इसलिए कि कुछ नॉन प्राइस डिटर्मिनेंट भी हैं जो डिमांड को इफेक्ट करते हैं कहता है, है लाहौर की आबादी भी तो बढ़ रही है पांच साल पहले आबादी कम थी अब आबादी जाहिर है जितनी आबादी बढ़ेगी उन्हें उतने घर चाहिए तो प्राइस बढ़ने के साथ साथ डिमांड भी बढ़ रही है रीजन क्या है क्योंकि नॉन प्राइस डिटर्मिनेंट इफेक्ट कर रहे हैं और दूसरी रीजन क्या है कहता है घर एक जैसे भी नहीं होते पांच साल पहले जो घर आपने देखा था फॉर एग्जाम्पल हो सकता है उसका मटेरियल कुछ और हो उसकी लोकेशन कुछ और हो वो किसी और जगह पे हो वो आपने देखा हो फॉर एग्जाम्पल डायमंड के करीब और उसी एरिया का उधर भी हमने देखा एक नाल का घर और उसी एरिया का अगर एक नाल का घर डिफेंस में देखेंगे तो भाई डिफेंस वाले की कीमत ज्यादा होगी उसकी लोकेशन डिफरेंट है उसका मटेरियल हो सकता है डिफरेंट हो तो इसीलिए कहता है हाउस मार्केट जो है इसको गिफन गुड नहीं कहना ठीक है हालांकि इसकी प्र, प्राइस बढ़ने से इसकी प्राइस बढ़ती है और साथ ही साथ इसकी डिमांड भी बढ़ जाती है बाय डेफिनेशन लग रहा है गिफन गुड होगी लेकिन ऐसे में गिफन गुड नहीं क्यों क्योंकि जो डिमांड बढ़ रही है प्राइस की वजह से नहीं बढ़ रही किस वजह से बढ़ रही है नॉन प्राइस यानी पॉपुलेशन की वजह से और घर एक जैसे नहीं होते होम्स आर नॉट कहते हैं इकोनॉमिक्स में एक जैसी चीजों को एक घर दूसरे घर से फर्क है ठीक है उसका मटेरियल डिफरेंट हो सकता है उसकी लोकेशन डिफरेंट हो सकती है उसकी कंस्ट्रक्शन डिफरेंट हो सकती है जी कुछ समझ आया yes, तो यहां पे हमारा लॉ ऑफ डिमांड जो है वो खत्म होता है आज के लेक्चर के बाद घर जाके आपने लर्निंग ऑब्जेक्टिव थ्री है इसको रीड करना है खास तौर पे एंड में जो पास्ट पेपर्स के और आई कै के क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चंस हैं वो ज़रूर पढ़ने हैं और टिक कर दीजिए अगर आप उनको अटैम्प्ट कर सकते हैं अगर अटैम्प्ट नहीं कर सकते उसको तो क्रॉस कीजिए और कल के लेक्चर में पूछना है कि सर ये क्वेश्चन समझ नहीं आया इसको समझा दीजिए रीडिंग असाइनमेंट नोट कर लिया आपने चलिए आज का लेक्चर था